नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉग रूम में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपलेस्ट वे टू लर्न जनरल एक्सेप्शंस ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लॉग रूम। दोस्तों, आप सभी लोगों ने YouTube पर जनरल एक्सेप्शंस की बहुत सी अच्छी वीडियोस देखी होंगी, पर उनमें से ज़्यादातर वीडियोस तीन या चार पार्ट में डिवाइडेड हैं, जिनमें से हर एक पार्ट कम से कम 15 से 25 मिनट का है। उसके बाद भी ज़्यादातर बच्चे जनरल एक्सेप्शंस को समझ नहीं पाते हैं और उनके सेक्शंस याद नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यह वीडियो है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आप जनरल एक्सेप्शन समझेंगे ही और साथ साथ उसके सारे सेक्शंस आपको याद भी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जनरल एक्सेप्शंस को समझेंगे कि जनरल एक्सेप्शन आखिर कहते किसे हैं। तो दोस्तों, एक्सेप्शन का मतलब जैसे कि आप समझते हैं कि अपवाद होता है, यानी कि ऐसा कोई कार्य है जिन पे जनरल स्टेटमेंट या जनरल रूल फॉलो नहीं होते। जैसे कि IPC में बहुत से ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें अलग अलग तरह की ऑफेंसेस बताए गए हैं, जैसे कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, मर्डर, डकैती, मिसकैरेज, मर्डर जैसे क्राइम। पर जनरल एक्सेप्शंस में ऐसे कुछ बचाव हैं कि अगर उन व्यक्तियों के द्वारा या उन परिस्थितियों में वो क्राइम हो जाते हैं तो कुछ लोगों को बचाव मिल सकता है। वहीं अगर बात करें IPC में जनरल एक्सेप्शन की, तो वो IPC के चैप्टर 4 में, यानी कि सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक कवर करता है। तो दोस्तों, जनरल एक्सेप्शन को समझने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ याद करना है कि जनरल एक्सेप्शन को समझने के लिए हमें अपने मन से युद्ध करना है। दोस्तों, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, मन युद्ध, यानी कि मन से युद्ध। इसको अगर आपने याद कर लिया तो आप जनरल एक्सेप्शन बहुत आराम से समझ जाएंगे। मैं बताता हूँ मन युद्ध का मतलब क्या होता है, यानी कि मन से युद्ध का मतलब क्या होता है। M जिससे बनता है मिस्टेक और बिलीव्स, जो कि सेक्शन 76 से लेकर 79 में कवर होता है। A जो एक्सीडेंट को बताता है और जो बात करता है सेक्शन 80 की। फिर आता है N यानी कि नेसेसिटी, यानी कि सेक्शन 81। फिर बात करते हैं Y यानी कि यंग एज, सेक्शन 82 और सेक्शन 83। फिर आता है U यानी कि अनसाउंड माइंड, जो कि सेक्शन 84 को कवर करता है। अब आता है D यानी कि ड्रंकनेस और इंटॉक्सिकेशन, जो कि कवर होता है सेक्शन 85 और 86 में। दोस्तों, अभी तक तो हमने समझा कि जनरल एक्सेप्शन को हम मन युद्ध क्यों कहते थे, फिर हमने जाना उनकी फुल फॉर्म के बारे में। अब अगली स्लाइड्स में हम बताएंगे इनको और थोड़े से अच्छे से खोलकर। तो शुरू करते हैं मिस्टेक और बिलीव से। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो कि सेक्शन 76 और 79 को एक साथ लेकर चलेगा। उसके बाद आता है जुडिशियल एक्ट, जो कि सेक्शन 77 और 78 को लेकर एक साथ चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। शुरू करते हैं सेक्शन 76 से। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें समझनी है, यानी कि दोस्तों, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट and not by reason of mistake of law, in good faith believes himself to be bound by law to do it. यानी कि दोस्तों, कोई भी ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो कि उस व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जो लॉ के द्वारा बाउंड हो उस काम को करने के लिए। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा पुलिस वाले का, जिसको ऑर्डर मिला राम को अरेस्ट करने का और उसने श्याम को राम समझकर अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर उस पुलिस वाले को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, उस पर ऑफेंस नहीं बनेगा कोई भी, क्योंकि वह पुलिस वाला लॉ के द्वारा बाउंड था उस कार्य को करने के लिए और यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, इसलिए उस पर कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। अब शुरू करते हैं सेक्शन 79, जस्टिफाइड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। यानी कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it. दोस्तों, पहले सेक्शन में हमने जो बात की वो थी पुलिस वाले की,
पर 79 में अगर पुलिस वाले के अलावा एनी पर्सन, हम फोकस करेंगे पहले पॉइंट पे, तो सेक्शन 76 के पहले पॉइंट में हमने यूज़ किया है बाई अ पर्सन। वहीं अगर 79 के पहले पॉइंट को देखें तो हमने बाई एनी पर्सन यूज़ किया है। इसका मतलब अगर कोई भी व्यक्ति, या तो पुलिस वाला हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, और वो कोई ऐसा कार्य करता है जिसको वो लगता है कि जस्टिफाइड बाई लॉ है, बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, तो वो भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक ए नामक व्यक्ति होता है जो बी नामक व्यक्ति को सी का खून करते हुए देख लेता है और बी नामक व्यक्ति को पकड़ लेता है और पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस को दे देता है। इस सीन में ये लगा कि बी नामक व्यक्ति ने सी नामक व्यक्ति का खून किया है, पर बाद में जब पता लगा कि सी नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति पर हमला करने वाला था और बी नामक व्यक्ति से सेल्फ डिफेंस में सी का मर्डर हुआ है या सी का खून हुआ है, तो ए पर कोई भी ऑफेंस नहीं बनेगा क्योंकि प्रॉपर अथॉरिटी को देने के लिए उसने बी को पकड़ा था और ये दोस्तों मिस्टेक ऑफ फैक्ट था और वो जस्टिफाइड बाय लॉ था इस कार्य को करने के लिए। अब बात करते हैं जुडिशल एक्ट की, यानी कि सेक्शन 77 और सेक्शन 78 की। तो शुरू करते हैं सेक्शन 77, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। इसमें है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। यानी कि कोई भी एक्ट जो जज कर रहे हैं जुडिशली, जो बिलीव करते हैं कि उनको लॉ के द्वारा दिया गया है, वो एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें, सपोज करते हैं किसी एक जज ने फांसी की सज़ा सुनाई, तो हम उस जज के उस एक्ट को हम ऑफेंस नहीं मानेंगे और हम ये नहीं कह सकते कि जज ने उस व्यक्ति का या उस ऑफेंडर का मर्डर किया है। अब बात करते हैं सेक्शन 78, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कि ऐसा एक्ट जो भी जजमेंट और ऑर्डर को परसू करने के लिए, यानी कि उस ऑर्डर को या आदेश का पालन करने के लिए कोई एक्ट किया जा रहा है, तो वो भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। आइए इसे पढ़ लेते हैं एक बार। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाई द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस नॉट विद स्टैंडिंग द कोर्ट मे हैव हैड नो ज्यूरिडिक्शन to pass such judgment or order in good faith believes that the court had such jurisdiction। यानी कि कोर्ट के ऑर्डर पर अगर कोई एक्ट किया जाता है तो वो भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने फांसी की सजा की बात की थी, इसी वाले एग्जाम्पल में हम बात कर लेते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर पर अगर कोई जल्लाद फांसी देता है तो उस पर भी कोई ऑफेंस नहीं लगेगा क्योंकि वो जुडिशरी ऑर्डर या कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। दोस्तों बात करते हैं एक्सीडेंट की, यानी कि सेक्शन 80 की। सेक्शन 80 कहता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। यानी कि दोस्तों ऐसा कोई भी एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून जिसके पीछे क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं थी, अगर वो एक्ट होता है और एक लॉफुल एक्ट है जो लॉफुल मैनर से किया गया है और प्रॉपर केयर से किया गया है, तो उस एक्ट को भी हम ऑफेंस नहीं मानेंगे। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक लकड़हारा होता है जो कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटता है या पेड़ के छोटे छोटे सूखे पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े करता है, प्रॉपर केयर करता है, पर बाई मिस्टेक या अचानक से उसकी कुल्हाड़ी का जो ऊपर का लोहे वाला हिस्सा होता है वो निकल कर दूर जाकर बी नामक व्यक्ति के जाकर लग जाता है, जिससे उसको इंजरी हो जाती है या ये कहिए उसके हाथ कट जाता है। इन दैट केस वो हर्ट या ग्रीवियस हर्ट में नहीं जाएगा क्योंकि दैट वाज एन एक्सीडेंट और वो सेक्शन 80 के अंदर कवर होगा। अब बात करते हैं नेसेसिटी, सेक्शन 81, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन without criminal intent and to prevent other harm। दोस्तों necessity शब्द से ही पता लग गया होगा कि ऐसा कोई कार्य है जो बड़ी परेशानी को टालने के लिए किया गया हो, उस कार्य को भी हम कोई offence नहीं मानेंगे। Nothing is an offence merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, done without any criminal intention to cause harm, in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person और प्रॉपर्टी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक बस ड्राइवर है जो बस चला रहा है, अचानक उसे पता चलता है कि उसकी बस के ब्रेक फेल हो गए हैं। अब वो बस चलाता है और देखता है कि सामने
एक कार है जिसमें पूरा परिवार है 6 लोगों का, वहीं अगर वो बस का स्टेयरिंग घुमाता है तो दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो साइकिल से जा रहा होता है, तो अगर वो बस वाला उस कार या उस फैमिली को बचाने के लिए अपने स्टेयरिंग घुमाकर साइकिल की तरफ कर लेता है और इस दौरान साइकिल वाले की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, तो वो एक्ट या उस बस वाले का जो एक्ट था उसको हम मर्डर में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक्ट एक बड़े हादसे को बचाने के लिए किया गया था। क्योंकि अगर वो बस वाला स्टेयरिंग नहीं घुमाता तो हो सकता है कि वो कार वाले व्यक्तियों को या वो जो फैमिली थी 6 लोगों की, उनको इंजरी पहुंचती। तो ऐसा कोई भी एक्ट जो बड़े हादसे को टालने के लिए किया गया हो वो एक्ट सेक्शन 81 के अंदर आएगा। दोस्तों, हमने अभी तक मन को कवर किया है, अब शुरू करते हैं युद्ध से। यानी कि पहला पॉइंट है यंग एज, जिसमें सेक्शन 82 और 83 कवर होते हैं। शुरू करते हैं सेक्शन 82 से। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि दोस्तों, 7 साल की कम की उम्र का बच्चा अगर कोई भी कार्य करता है या कोई भी एक्ट करता है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 83 की। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 ईयर्स एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज एंड हु हैज नॉट अटेन्ड सफिशियंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज ऑफ द नेचर एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट। यानी कोई भी ऐसा कार्य है जो कि 7 साल से ऊपर और 12 साल के कम के बच्चे ने किया हो और जिसने अभी तक मेच्योरिटी नहीं हासिल की हो, यानी कि उसे ये ना पता हो कि जो कार्य वह कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा और उसका रीज़न क्या है। अब बात करते हैं अनसाउंड माइंड, यानी कि सेक्शन 84। एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ। यानी कि ऐसा कोई भी एक्ट जो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो कि अनसाउंड माइंड है, यानी कि जो अभी इनकेपेबल है उस एक्ट के नेचर को जानने के लिए। अब बात करते हैं ड्रंकननेस और इंटॉक्सिकेशन, यानी कि सेक्शन 85 और सेक्शन 86। शुरू करते हैं सेक्शन 85 से। एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट by reason of intoxication or incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। यानी कि दोस्तों, सेम सेक्शन 84 जैसा है पर वहाँ पर अनसाउंड माइंड था और यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन है। इसमें नीचे एक प्रोवाइडेड भी दे रखा है कि इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। यानी कि ऐसा कोई भी एक्ट जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो कि इंटॉक्सिकेटेड है और इंटॉक्सिकेशन कैसा जो कि अगेंस्ट हिज विल हो। अब बात करते हैं सेक्शन 86। ऑफेंसेज रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, यानी कि एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। अ पर्सन हु डज द एक्ट इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल टू बी डील विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। दोस्तों, ये सेक्शन बताता है कि अगर कोई भी कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया और वो इंटॉक्सिकेटेड है तो वो एक्ट ऑफेंस माना जाएगा तब तक जब तक कि ये क्लियर नहीं हो जाता कि वो जो इंटॉक्सिकेशन है वो उस व्यक्ति को अगेंस्ट हिज विल दिया गया है और विदाउट हिज परमिशन दिया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के सेक्शंस यानी कि जनरल एक्सेप्शन के आगे के सेक्शन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे और हम बताएंगे कुछ और ट्रिक्स, कुछ नई ट्रिक्स उन सेक्शंस को याद करने के लिए। अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये सेक्शंस समझ में आए या नहीं आए। तब तक के लिए हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।